हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो किचन टिप्स का वीडियो है, उसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ कुकिंग टिप्स, जो आपके लिए कमिंग होली फेस्टिवल के लिए अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। आपको जो भी टिप इसमें से पसंद आया उसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई है। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, अदरवाइज़ आपको मेरी चैनल के वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और साथ ही आप बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की मेरी सबसे पहली टिप दही बड़ों को लेकर है। जब भी हम दही बड़े या दही बल्ले सर्व करते हैं, स्पेशली तब जब हमें बल्क में सर्विंग करनी होती है, खूब सारे गेस्ट जब होली पर घर पर आते हैं और आपको जल्दी जल्दी में ये दही बल्ले सर्व करने होते हैं, तो सारी चीज़ें असेंबल करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। उस चीज़ को आप बहुत ही क्विक किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ दही बल्ला मसाला, जो आपका काम काफ़ी आसान कर देगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट लिए हैं, जिसमें काला नमक है, रेड चिली पाउडर है, चाट मसाला है, जीरा, अजवाइन, पुदीना पत्ता, साथ में काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली, चाट मसाला, जो पिसी हुई चीज़ें हैं उनको आप बाद में ऐड करें, जैसे काला नमक। और ये मैंने 1 स्पून ही रखी हैं सारी चीज़ें। वाइट सॉल्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं, बट मैं दही भल्लों की दही में भी थोड़ा सा ऐड करती हूँ नमक, तो इसलिए मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर रही हूँ। इस सारी चीज़ों को अच्छे से चर्न कर लेंगे और इस तरह से हमारा ये बहुत ही डिलीशियस सा और फ्लेवरफुल दही भल्ले मसाला रेडी हो जाएगा। बस ये आपको जस्ट स्प्रिंकल करना है अपनी दही और चटनियों के ऊपर से। इस तरह से आपको बार बार मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ों को टच नहीं करना पड़ेगा। जस्ट एक मसाला स्प्रिंकल करके आप अपनी दही बल्ले रेडी कर सकते हैं। टिप नंबर 2, जब भी हम गुजिया और मठरी को खस्ता बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक परफेक्ट रेशियो होता है। वो रेशियो होता है 2 कप के साथ 1/4 कप घी या ऑयल। घी या ऑयल को आप अच्छे से गर्म करके उसमें ऐड करें और अच्छे से मेल्ट करें। यहाँ पर उसके साथ आप अगर सूजी ऐड कर देते हैं तो सूजी से बहुत ही अच्छा क्रंच आता है और मठरियाँ और गुजिया काफ़ी क्रिस्पी बनती हैं। साथ ही इसमें पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और पहले हार्ड सा डो आप बनाएं। जब आप उसको रेस्ट करने रखेंगे थोड़ी देर, उसके बाद डो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। फिर आप उसको अच्छे से एक बार नीट कर लें और आपका बहुत ही सॉफ्ट सा गुजिया का और या मठरी का आपका डो रेडी हो जाएगा। टिप नंबर 3, इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी शक्करपारे की शेप, जिसे आप शाही शक्करपारा कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आप एक चपाती बेल लें पतली सी और उसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लें। फिर ऊपर और नीचे से थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के आप इस तरह से लंबी लंबी इसमें लाइनें कर लें, यानी कि इसमें कट लगा दें और ऊपर से स्प्रिंकल कर दें थोड़ा सा मैदा। और इस तरह से इसको पलट लेंगे, हाफ इसको कर लेंगे और उसके बाद इसको हमने एक और फोल्ड देना है। इस तरह से 3 फोल्ड हो जाने के बाद आप इसको इस तरह से अंदर से निकाल लेंगे तो ये इस तरह से ट्विस्ट हो जाता है। साइड को आप अच्छे से पिंच कर लें ताकि ये खुले नहीं। यहाँ पर एक दूसरी शेप में बनाकर आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें मैंने क्या किया है। यहाँ पर आटा डस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इससे इसकी जो लेयर बनेंगी वो अच्छे से विजिबल रहेंगी और खुलेंगी भी नहीं। यहाँ पे मैंने पिंच कर लिया है और अंदर से निकाल के इसको ट्विस्ट कर लिया है, और साथ ही पिंच करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये शेप खुले नहीं। टिप नंबर 4 में भी मैं आपके साथ एक शेप शेयर कर रही हूँ, जो आप शक्करपारे या मठरी के साथ बना सकते हैं और ये काफ़ी फ्लेकी बनते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए हमें इस तरह की 3 या 4 या जितने भी नंबर्स में आप रोटियां बनाना चाहें उतनी बेलनी है और सेम साइज़ की हों सारी। उसके बाद एक के ऊपर एक इन्हें रखना है, बीच में हमने हल्का सा मैदा डस्ट करना है और ऑयलिंग करनी है, जिस तरह से लेयरिंग के लिए हम अक्सर करते हैं। और फिर इनको इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप में हमने रोल करना है, अच्छे से टाइटली रोल करें। उसके बाद साइड्स को कट कर लें और बीच में से इस तरह से छोटे छोटे से राउंडल्स कट कर लेंगे। ये जो राउंडल्स बनेंगे यही इसमें फ्लेकी
टेक्सचर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी पतले पतले आप राउंडर कट कर सकें उतने कर सकते हैं, और लेयर भी आप जितनी चाहें उतनी कर सकते हैं, 3 रोटियों की, 4 रोटियों की, और फिर इन्हें हल्का सा प्रेस कर लें और बस अब ये रेडी हैं तलने के लिए। और तलने के बाद इनकी शेप बहुत ही अच्छी और फ्लेकी आती है। टिप नंबर 5 में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ मटरी की शेप। ये क्यूट से रोज़ बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर एक बड़ी सी चपाती मैंने बेल ली है और इसको आप जितना पतला बेल सकें उतना आप इसको बेलें, और फिर इस तरह से किसी कुकी कटर या ढक्कन की हेल्प से छोटे छोटे राउंडल्स कट कट कर लेंगे। और इन राउंडल्स को अब हम एक के ऊपर एक इस तरह से थोड़ा थोड़ा गैप करके रखेंगे ताकि इसको हम अच्छे से रोल कर पाएँ। और अब एक पॉइंट से जहाँ पर हमने ख़त्म किया था राउंडल्स, वहाँ से एक रोल बना लेंगे। इस तरह से ये रोल बन जाएगा। रोल को हमने बिल्कुल सेंटर से कट करना है और नीचे वाले पोर्शन को अच्छे से होल्ड करके रखना है, और जितनी भी लेयर्स हमने इसमें बनाई हैं उनको इस तरह से रोज़ पेटल की तरह खोलना है। जितना भी आप अच्छे से पिंच करके खोल पाएँ उतनी आप इसमें अच्छे से शेप दे सकते हैं। आप इसको जितना भी खींचेंगे, क्योंकि मैदा खिंच जाता है इजीली, तो इस तरह से इनको हम खींचते हुए पेटल्स की शेप दे देंगे। दूसरे पोर्शन को भी इसी तरह से रोज़ मटरी की शेप दे देंगे। इस तरह से जो एक सर्कल हमने बनाया था उससे 2 पोर्शन कट किए हैं और 2 रोज़ मटरी से रेडी हो जाती हैं। टिप नंबर 6 में मैं आपके साथ एक और शेप शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है देखने में। तो यहाँ पर इसके लिए हमें एक चपाती बेलनी होगी, बहुत बड़े साइज़ की नहीं चाहिए, जस्ट छोटी सी चपाती, और उसको एक अच्छी सी राउंड शेप देने के लिए उसको ढक्कन से मैंने इस तरह से गोल कर लिया है। आप कोई कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो राउंड मैंने बनाया है इसको हाफ वे मैं इस तरह से कट कर रही हूँ जैसे स्ट्रिप्स बनाई हैं, और उसके बाद इसके ऊपर डस्ट किया है थोड़ा सा आटा, और फिर जहाँ से प्लेन है, जहाँ मैंने कट नहीं लगाया है, उस तरफ से इसको रोल करना शुरू किया है। तो ये कट वाला पोर्शन लास्ट में ऊपर से आएगा और उसको एक तरफ से पिंच कर दिया है। आप दूसरी शेप में देख सकते हैं मैंने किस तरह से किया है। ये शेप बनाना भी बहुत ही आसान है। टिप नंबर 7, इन सारे शक्करपारों को कोट करने के लिए हम जो चाशनी बनाते हैं उसके लिए हम क्या रेशो रखें कि अच्छी सी चाशनी रेडी हो। तो यहाँ पर अगर आप 1 कप ले रहे हैं चीनी, तो उसके साथ आप 1/2 कप उसमें पानी ऐड करें और उसको तब तक कुक करें जब तक कि उसमें तार बनना शुरू नहीं हो जाता है। इस तरह जब चाशनी में तार बनने लगे तो एकदम परफेक्ट होती है वो किसी भी शक्करपारे के ऊपर कोट करने के लिए, और वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाती है जो भी चीज़ के ऊपर आप उसे कोट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी शेप मैंने बनाई थी उन्हें मैंने फ्राई कर लिया है, और फ्राई करने के बाद उन्हें डायरेक्टली थोड़ी सी गर्म चाशनी में ऐड किया है। तो इस तरह से उनके ऊपर बहुत ही अच्छी सी कोटिंग हो जाती है, साथ में वो अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब भी करती हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं चाशनी से कोट होने के बाद, और इनके ऊपर आप अपनी मनपसंद गार्निशिंग कर सकते हैं, ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेंगी। टिप नंबर 8, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चाहे आप गुजिया बनाएं, मटरी बनाएं, या फिर इस तरह से शक्कर पारे। तो यहाँ पर मैं गुजिया बना रही हूँ और आप देख रहे हैं ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बिल्कुल हल्के गर्म ऑयल में ही हमें गुजिया को डालना होता है। स्टार्टिंग में आप चाहे हल्का सा तेज़ गर्म कर लें, क्योंकि जैसे ही गुजिया जाएगी तो टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा, तो उसी लो टेम्परेचर पर आपको गैस थोड़ी मीडियम रखनी है। और जब आप इस तरह से हल्की आँच पर तलेंगे तो गुजिया बहुत ही क्रिस्प बनती है और हर एक लेयर खिलकर आती है। तो आप भी ये ट्रिप ज़रूर ट्राई करें आपकी खस्ता गुजिया और मटरी बनाने के लिए। टिप नंबर 9, जब भी हम गुजिया बनाने लगते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें पुराना अपना गुजिया का मोल्ड नहीं मिलता या किसी वजह से उससे अच्छी सी गुजिया नहीं बन रही है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीका है बनाने का, बिना किसी मोल्ड के भी आप गुजिया बना सकते हो। तो आपको एक रोटी बेलनी है जिस भी साइज़ की आप गुजिया बनाना चाहते हैं। तो जिस तरह गुजिया के लिए आप बेलते हैं, इस तरह से एक रोटी को आप बेल लीजिए, इसके सेंटर में आप जो फिलिंग बनाई है उसको रख दें, और उसके बाद इसको हाफ वे फोल्ड कर दें, यानी कि सील करने के लिए जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं गुजिया को, उसी तरह से उसे फोल्ड कर दें। और उसके बाद उसके ऊपर रखें कटोरी, कटोरी को इस तरह से रखेंगे कि हाफ एक मून शेप में ये आ जाए, इस तरह से हमें एक शेप मिल जाएगा। और कटोरी को अच्छे से प्रेस कर दें ताकि यहाँ पर एक कट लग जाए, और इस कट के ऊपर से जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम निकाल लेंगे। और अब इसको सील करने के लिए आप हाथों से इसको अच्छे से प्रेस कर लें, या फिर इसको फोर्क की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेंगे, तो आपको एक परफेक्ट शेप मिल जाएगी। साथ ही ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसे कि आप
गुजिया मोल्ड से बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी एक गुजिया बिल्कुल रेडी हो गई है, और कोई नहीं कह सकता कि आपने इसको बिना मोल्ड के बनाया है। आप चाहे तो इसमें साइड में डिज़ाइन बना सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी सुंदर लगती है। तो जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से आप गुजिया प्रिपेयर कर सकते हैं बिना मोल्ड के भी। तो इस तरह से थी आज की ये टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मिलती हूँ आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।